अहंकार को क्यों धिक्कारे। अपना जीवन सफल बनाए अंधकार को क्यों धिक्कारे। अच्छा है एक दीप जलाए अंधकार को क्यों धिक्कारे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा देश का निरक्षर प्रौढ़ देश की विभिन्न विकास योजनाओं का ज्ञान पाता है। इन विकास की योजनाओं से निरक्षर प्रौढ़ सीधा लाभ नहीं उठा पाते। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के कार्यकर्ता इन प्रतिभागियों और विकास योजनाओं के बीच का संपर्क सूत्र है। नमस्ते बहन जी। बहन जी, हम लोग पास के शहादत खेड़ा गाँव से आए हैं। हम वहाँ की अनुदेशिका हैं और ये बहनें हमारे पास पढ़ने आती हैं। बहन जी, हम ही अस्पताल में ये पूछने आए हैं कि इन केंद्र से हमारे गांव में जो सुविधाएं मिलती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में, जरा उनके बारे में हमका बताओ। हमारे यहाँ से जो है एक बहन जी जाती है गांव में और बच्चे की और माँ की और पूरी देखभाल और उसकी जो है दवाई और टीके के सबकी वो करती है। तो जैसे बच्चा कोई औरत गर्भवती है उसके पेट में बच्चा है तो उसको टीके वार लगाना, खून की कमी से बचाने के लिए उसको गोलियां देना और उसको जो है सफाई के बारे में समझाना और खाने पीने के बारे में उसको समझाना। उसके बाद जो है उसको टीके वार लगाना, टेटनस के दो टीके भी उसको लगते हैं। उसके बाद उसके बच्चा पैदा भी होते हैं तो वहाँ वही बहन जी जो है घर पर भी कर लेती है बच्चे की पैदा। उसके बाद उसको 10 दिन की देखभाल करती है। उसके बाद जो है बच्चे को टीके के बारे में बताते हैं बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे BCG है 6 रोज से बचाने के लिए एक टीका लगा देते हैं। वो जैसे बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर के 1 साल के बीच में एक टीका लगते हैं। उसके बाद DPT है, पोलियो है, ये जो है 4 बीमारियों से बचाने वाला है। उसको जो है 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच में 3 बार दिया जाता है। अच्छा, वो 3 बीमारी कौन कौन सी है? जैसे टेटनस है, डिप्थीरिया है, खाली खांसी है और एक पोलियो है। तो 4 रोग हो गया, 2 टीके से एक इंजेक्शन लगता है, 1 पिलाया जाता है। उसका वजह से एक बच्चा उसके पास है तो बच्चा अभी जल्दी नहीं चाहिए तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से सेवाएं दिए जाता है। उसके लिए जैसे ओरल पिल्स है, निरोध है, कॉपेटियाँ हैं, कई तरीके हैं। जैसे मान लो उनको जो है थोड़ी दिनों को नहीं चाहिए तो आपको ओरल पिल्स देती है, ये 1 महीने के लिए देती है पता, और रोज ये गोले खाना पड़ता है। इस तरीके से निरोध भी उसके लिए देते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि हमें 2-3 साल के लिए चाहिए तो हम लोग कॉपर्टी दिया जाता है। ये सब जो है ये बहन जी जो है वही लगाती है। अच्छा बहनी, और कुछ पूछे क्या? नहीं। अच्छा बहन जी, तो आप यह जानकारी दी उनका बड़ी खुशी है, हम लोग चाहिए। नमस्ते बहन जी। बहन जी, हम लोग पास ही के गांव से आए हैं, वहीं की बहनें हैं हम सब। अच्छा दीदी, ये जो माँ और बच्चों के विकास के और कल्याण के लिए जो हमारी सरकार परियोजना चला रही है इसके बारे में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? बड़ी खुशी की बात है। ऐसा है कि माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए हमारी सरकार कई योजनाएँ चला रही है। इनमें से एक क्रांतिकारी योजना समन्वित बाल विकास सेवाएँ। अच्छा दीदी, ये समन्वित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवा आती है? समन्वित बाल विकास सेवाओं में सबसे जो पहली सेवा है वो है स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच में हम 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। इसके अलावा गर्भवती और धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जांच होती है।
स्वास्थ्य जांच के पश्चात दूसरी सेवा आती है टीकाकरण। टीकाकरण या जिसको आप प्रतिरक्षीकरण भी कहते हैं, इसमें हम गर्भवती माताओं को टिटनेस के टीके लगवाते हैं और 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को हम संपूर्ण जितना प्रतिरक्षीकरण जो जो टीके आते हैं, जैसे कि शुरू में BCG है, फिर DPT पोलियो है, मीजल्स है, ये सारे टीके सिलसिलेवार बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लगवाए जाते हैं। इसमें हम स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग देते हैं। दीदी, ये जो टीके लगाए जाते हैं इसके बीच में कितनी कितनी अवधि होती है? ऐसा है कि BCG तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले महीने लग जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो उसको DPT और पोलियो इसकी प्रथम खुराक लगती है, और 1-1 महीने के अंतराल पर 3 खुराकें DPT और पोलियो की दी जाती हैं। तत्पश्चात बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके बाद जो हमारे बच्चे जो हैं, जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के होते हैं, उन बच्चों को हम आंगनवाड़ी केंद्र में पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। अच्छा, चौथी सेवा है जो माताएं आती हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उनको हम स्वास्थ्य एवं पोषाहार की शिक्षा देते हैं। और पांचवी सेवा जो है वो ये है कि जो बच्चे हमारे बीमार होते हैं और जिनको कि अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत होती है, उनको हम संदर्भ सेवाएँ देते हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए कि संदर्भ सेवा क्या होती है? संदर्भ सेवा में ऐसा है कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने पाया कि कोई बच्चा बहुत बीमार है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इतनी पढ़ी लिखी नहीं, ना ही वो मतलब मेडिकल एक्सपर्ट है, तो वो एक कार्ड होता है, रेफरल कार्ड कहलाता है, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र पर हर बच्चे के लिए अलग अलग बना होता है, तो उस कार्ड को वो भर देगी ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और वो बच्चे के माता को दे देगी कि इस कार्ड के साथ तुम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चली जाओ। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब जो हैं उस कार्ड के आधार पर फिर उस बच्चे की देखभाल करते हैं, दवाई दी जाती है, उसका इलाज होता है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर तो बैठा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो उसको कैसे जानकारी होगी कि बच्चा है हमारे गाँव में। इसके अतिरिक्त और कोई सेवा है? हाँ, एक सेवा और है बड़ी महत्वपूर्ण, पूरक पोषाहार। इस सेवा के अंतर्गत हम कुपोषित बच्चे जो स्वास्थ्य जांच के दौरान कुपोषित पाए जाते हैं, उन बच्चों को हम पूरक पोषाहार देते हैं और गर्भवती माताओं को पूरक पोषाहार देते हैं। अच्छा दीदी, आज जो आप हमको ये जानकारी दी हो, इससे हम लोगों का बहुत लाभ होना चाहिए। नमस्ते। हाँ भैया लोगो, आप हमारे सरपंच हैं, आपसे मुलाकात कर लो। जय राम भैया। सरपंच साहब, हमका यू बताओ कि जो हमारे जमींदार साहब है ना, वो काम करवावे खातिर तो बुलवा लेते हैं, सरकार द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है ना, न्यूनतम वो नहीं देते हैं और बेगारिया करवा लेते हैं। तो बेगार करवावत है तो काहे तुम ऊपर कहो? कहेगा साहब, उनकी बपौती है गाँव में, यहाँ मरी है। कैसे मरी है? एक दिन मरी है, दूसरे दिन तो सरकार इतना इंतजाम किए है कि जो SP बना, SSP बने हैं, थाना तुम्हारा है, कहूं कहा थे कि नहीं हमका देखो जबरदस्ती मार। अब का बताइए, प्रधान जी के पास भी गए ना, और प्रधान जी भी इनका टाल दिन। कोर्ट कचहरी में नहीं, तुम दरोगा जी के लगे जई हो कि हमका जबरदस्ती मारी है, मुकदमा उनके ऊपर कर रही हो, या दही ने सुनी है, दुई दही ने सुनी है, तिबारत सुनवाई करी है तुम्हार, कि तुम्हारे साथ जाती होते रही हो, तुम बर्दाश्त कर रही हो, तो हम जाए। अब सरपंच काका, अभी न्यायपालिका के जो अधिकार हैं, और उनसे जो हमका फायदा हो, हमसे फायदा यह हो सकते है कि अगर तुमका को जबरदस्ती मारा पीटा है और हमरे लगे आप आयो, तो हम आपसे कहा कि दावा दाखिल करो, दावा दाखिल की हो, हम वही पर गवाह तलब कर, तुम्हारे गवाह सही निकले कि हाँ मारे गए हो तुम, तो उनका हम 100 रुपया तक जुर्माना करें, हमारा अधिकार है उनके ऊपर। 100 रुपये अगर 324-325 हो जाते तो वही का हम, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तब वही का हम केस के यहाँ आगे बढ़ा दिया, वो जुडिशरी चला जाए, केस फाइल। और साहब, वो जो मेहरिया वाली बात बता रहा, लखनपाल की मेहरिया चली गई रही, तो नौकरी लिए आप चलो किसी दिन, जब चल कहो, आप समझाओ, जब कहो तो 4 लोग चली और वहाँ समझाए बुझाए तो उसका मामला निपटारा की जाए। समझ गए ना आप लोग सब भैया? तो भैया समझ लियो, सरपंच हो तो परमेश्वर भैया, सरपंच हो तो परमेश्वर भैया, ये बात हम जानी, और जौन फैसला हुआ सभा में वो बच्चा बच्चा मानी। अच्छा सरपंच जी, अच्छा सच कह रहे हो? अच्छा भैया, राम 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 राम।
नमस्ते डॉक्टर साहब, हम सब लोग प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से आए हैं। मैं वहाँ की अनुदेशिका हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो पशु हैं उनके जब रोग हो जाते हैं उनके लिए क्या क्या उपचार हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? पशुओं में कुछ बीमारियाँ संक्रामक होती जो बरसात होने से पहले शुरू होती, जैसे गला घोंटू है, लंगड़ी है और इफेमेरल फीवर है। तो इस तरह की बीमारियां, इसमें बड़ा तेज बुखार होता है और उसके बाद जानवर फौरन आनन फानन चले जाते हैं, समझ नहीं आप। तो ऐसी सूरत में उनकी बचा उनके बचाव के लिए हम लोग रोकथाम के लिए टीके लगाते हैं। ये टीके पशुपालन विभाग के निदेशालय स्तर पर एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सेक्शन है, वहाँ ये मैनुफैक्चर किया जाता और हर अस्पतालों पर ये उपलब्ध रहता। आप लोगों का काम ये है, जो काश्तकार जानवर पालते हैं उनको ये चाहिए कि बरसात होने से पहले अपने अपने जानवरों को गला घोंटू, लंगड़ी और संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीके लगवा लें ताकि जानवर बीमारी से सुरक्षित रहे। आप समझ? अच्छा, आप ये बताइए कि किसी पशु के मर जाने पर दूसरा पशु खरीदने के लिए आप क्या अनुदान देते हैं? देखिए, ऐसा कोई अनुदान विभाग ने नहीं दिया। हाँ, ये जरूर हम कर रहे हैं कि फर्ज कीजिए आपने भैंस खरीदी या ऋण ली बैंक से, तो आपने भैंस खरीदी तो हम उसका इंश्योरेंस करा देते हैं। ये इंश्योरेंस क्या चीज होती है? इंश्योरेंस ऐसा है कि जैसे जीवन रक्षा, जैसे मान लीजिए कि वो जानवर मर गया तो एक गरीब आदमी 5,000 रुपए की भैंस नहीं खरीद सकता। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम ये चलाई है कि पहले तो बैंक से फाइनेंस कराती है आपको, 5,000-4,000 आपको फाइनेंस कर दिया, आपने एक भैंस खरीदी, उसके बाद जो है डॉक्टर ने उसका मेडिकल फिटनेस दिया और उसको इंश्योर कर दिया। उसे कानों में छल्ले लगते हैं या टैगिंग होती है और वही एक आइडेंटिफिकेशन है। जब वो जानवर मर जाता है तो बैंक जो है सूचित करता है कंसर्न पशु चिकित्सा अधिकारी को, वो उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करता, अपनी फाइंडिंग्स देता है कि जानवर मरा कैसे, उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग ही पे बेस करता है। अगर वो क्लेम जस्टिफाइड है तो इंश्योरेंस वो 5,000 रुपया रिपे कर देता। तो इस तरह से हम उन गरीब लोगों की मदद ये कर रहे हैं कि साहब अगर उनका जानवर किसी आकस्मिक मौत से या दुर्घटना से शिकार हो गया तो उसको जो है दोबारा फिर वो पैसा मिल जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपने जो जानकारी दी है हम सभी लोगों का, वो सबके हम सभी लोग बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम नमस्ते भाइयों, आप सींचपाल हैं और आप हैं सींच पर्यवेक्षक। हम लोग के सिंचाई में जौन समस्याएं आवत हैं उनके बारे में हम कल बतलाई हैं। तो सींचपाल जी, आप ये बताइए कि हम लोगों की सिंचाई के लिए पानी कब कब उपलब्ध हो सकता है? ये रेगुलेटर के हिसाब से जो है, हाँ, रोस्टर निकलता है हमारे यहाँ, उसमें पूरी फसल का जो है वो कब कब कौन सी नहर चलेगी उसमें वो होता है। अच्छा, तो किस फसल के लिए किस समय कोई दिन मुकर्रर है उसके लिए? दिन जो है इतवार को, मतलब 6 बजे शाम को हमारे यहाँ नहरें खुलती हैं। साहब, वो कहा है कि हमारे गांव में एक नहर है तो वही में पानी नहीं आवत है। तो पानी का काम जो है, मतलब रेगुलेशन काम जो है वो बड़े साहब करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अच्छा साहब, हमारे घर से नहर थोड़ा दूर है तो खेते में सिंचाई नहीं हो पावत है। तो उसके लिए आप लोगों को बम्बा बना दिया जाता है, 6 इंच का, जो काफी दूर होता है, 6 इंच का बम्बा दिया जाता है। तो उस 6 इंच से नाली बनी रहती है। अच्छा, कुछ अच्छा। कुछ नहर डिपार्टमेंट पक्की नाली बनवा देता है, पक्की नाली बनवा करके तब वहाँ आप लोगों के खेतों की सिंचाई करवाता है। तो ये सब सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। बीच में जो अगर कोई रास्ता या कोई चक्रोड या कोई सड़क पड़ जाती है उसके गुल करवट बना देते हैं उसमें, है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो पानी ले जाने में। जब हम अपने ट्यूबवेल से सिंचित है तो नहर से सिंचाई का है लिखी जात। जब आप पानी लगाएं, जब हमारी नहर बंद हो, जब मेरी नहर बंद हो, उस गुल में पानी नहर करने जाता हो, तब आप हमको, मतलब हमारे बड़े साहब को 15 दिन पहले आप
सूचना देनी पड़ती है कि हम फला दिन जो है अपने ट्यूबवेल का पानी सरकारी नहर की नाली से ले जाएंगे। अच्छा जी। तो उसमें बड़े साहब परमिशन दे देते हैं कि हाँ फला दिन जो है, या किसी भी आदमी को रिपोर्ट कर देते हैं कि इनका खेत सींचने के बाद रिपोर्ट की जाए। अच्छा शिषपाल जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, और पर्यवेक्षक जी आपने भी। अच्छा भैया, आप लोगों ने बहुत बहुत मेहरबानी। अब अच्छा भैया, राम राम। अच्छा साहब, राम राम। अच्छा साहब, राम राम। तो साहब, हम लोग इसलिए आए थे कि सरकार की तरफ से ग्राम विकास के लिए जो जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप हमको विस्तार से कुछ बता दें। विकास खंड की तरफ से जी गांव के समग्र विकास के लिए प्रयास किया जाता है जी। और उसके लिए खास तौर से इस वक्त हमारा ध्यान केंद्रित है आर्थिक तरक्की के लिए। बहुत अच्छा। और आर्थिक तरक्की के लिए हम लोग IRDP योजना, JNRP योजना, RLDP योजना ये चला रहे हैं। अच्छा साहब, ये IRDP स्कीम है, IRDP योजना जो है, इसके बारे में विस्तार से बताएं जरा आप। IRDP योजना में हमारा एकीकृत ग्राम विकास, हिंदी में उसको कहते हैं एकीकृत ग्राम विकास, का मतलब ये है कि हम पूरी तौर पे चारों तरफ से गांव के विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। समग्र से मतलब हमारा है कि उसको हम पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे ले जाते हैं। अच्छा, उद्योग धंधे के क्षेत्र में भी आगे ले जाते हैं, और अब सिंचाई के क्षेत्र में भी आगे ले जाते हैं, और कृषि के क्षेत्र में भी उसकी हम सहायता करते हैं। इसमें अनुदान की सीमा अलग अलग है। लघु कृषकों के लिए 25% अनुदान है, और सीमांत कृषकों के लिए 33% अनुदान है, और हरिजनों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। और वो ये अनुदान योजना के साथ ही जब ऋण उनको दिया जाता है तो उनके खाते में समायोजित कर दिया जाता है। और साहब, ये बायोगैस योजना जो है, ये क्या है जरा इसके बारे में विस्तार से आप बतलाएं हम लोगों को। जी, बायोगैस से हम लोगों का एक उद्देश्य है जी कि गांव में जो साधन उपलब्ध है जी उनका प्रयोग करके हम उनको वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध करा दें। साहब कहे कि हम बढ़ईगिरी का काम करी थे, तो पूछे क्यों है कि का बढ़ईन का और लोहरन का भी यो कर्ज मिल सकत है दस्तकारों के लिए IRDP योजना के अंतर्गत जी। हम उनको लाभ पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दस्तकारों के बच्चे हैं, युवक हैं, उनके लिए ट्राइसम योजना चलाई जाती है। अच्छा साहब, इन योजनाओं के बारे में अगर कोनो साहित्य आपके पास उपलब्ध हो तो जरा सा हम लोगों को दे देना। ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके संबंध में आपको मैं बता देना चाहूँगा। जैसे पहली योजना है एकीकृत ग्राम विकास योजना। एकीकृत ग्राम विकास योजना, इसमें ऐसे लोगों को सरकार की ओर से ऋण दिया जाता है जी जो गरीबी की रेखा के नीचे होते हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, उसमें उसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लोगों को उपलब्ध कराया, और रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से जो कार्य कराए जाते हैं उनसे वहां पे स्थायी परिसंपत्ति का सृजन होता है। जैसे मान लीजिए सड़क बनाई गई, अस्थायी परिसंपत्ति या पंचायत घर बना दिया गया, या जैसे हमारे जनपद में एक हमने नई योजना ली है कि इंडिया मार्क 2 हैंडपंप लगा दिए जाते हैं। इंडिया मार्क 2 एक हैंडपंप है। अच्छा। उससे स्वच्छ पेयजल मिलता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ पेयजल की बड़ी समस्या थी। हाँ, तो हाँ, इसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पेयजल के लिए इंडिया मार्क 2 हैंडपंप उपलब्ध कराए जाए। हाँ, तो क्योंकि उसमें कहीं कुएं में कोई प्रदूषण का भी खतरा नहीं है, स्वच्छ पेयजल सालों भर मिलता है। और साहब, आप तो जाना था जब से जब तक गाँव में बिजली नहीं है तो मिट्टी तेल की बड़ी किल्लत रहा था। नहीं, ये बात तो है, लेकिन खैर मिट्टी के तेल वगैरह हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसमें एक बात और हम आपसे कहना ये चाहेंगे कि जहां पे बिजली पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, वहां हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एक है नेडा, इस राज्य में हमारे जनपद में भी कार्य कर रही है, उसमें सौर ऊर्जा वो जो सूरज के यंत्र लगाए जाते हैं, तो उसमें जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे
सड़क पे लाइट की जरूरत है या अपने घर पे ही लाइट की जरूरत है तो उसमें भी छूट अनुमान्य है। वो सौर ऊर्जा वाले जो लाइट हैं और लैंप पोस्ट हैं वो गांव में लग सकते हैं। उसका फायदा ये है कि उसमें एक बार आपने लगा दिया जी। फिर वो खराब नहीं होता। अच्छा सर, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। हमारे अनुदेशक का ये कर्तव्य है कि वह अपने प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाए। विभिन्न विकास योजनाओं से सीधा लाभ उठाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां जैसे फॉर्म भरना आदि की जानकारी दे। देखिए महावीर प्रसाद को ये अनुदेशक जी किस प्रकार सहायता कर रहे हैं। लेकिन महावीर से ना बोला था, बस मात्रा लगाओ। हाँ हाँ रहा लिखो महावीर बड़ी रंडी। हाँ देखो यहाँ बाप का नाम लिखो अपने। हाँ लिखो। हाँ ठीक है, पर पूरा लिखो ना। हाँ लिख तो रहे। बद्री प्रसाद। हाँ लिखो प्रसाद। अरे रामा लगा यू। हमारे प्रौढ़ जब जागरूक हो जाते हैं तब अपनी समस्याओं को वे स्वयं हल कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे महावीर प्रसाद। राम राम मास्टर। राम राम महावीरा। और भैया कहाँ जा रहे हो? उका है भैया कि मुनवक महतारी कहीं रहे कि इनका टीका लगवा दे। तो हम सोचे टीका लगवा ले। बहुत अच्छी बात। अच्छा भैया महावीर ऐसा करो शाम को केंद्र पढ़ाई जरूर आए। आई भैया आई। देश की विभिन्न योजनाएं इन्हीं लोगों के लिए हैं। इनका वही व्यक्ति लाभ उठा पाता है जो स्वयं में जागरूक हो। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों में ऐसी जागरूकता लाना है। साक्षरता इस कार्य में सहायता करती है। समय समय पर इन योजनाओं में परिवर्तन होता रहता है, पर अनुदेशक को चाहिए कि वह नई से नई जानकारी से अपने प्रौढ़ों को अवगत कराए। साथ ही समय समय पर अनुदेशक को चाहिए कि वे प्रौढ़ों के पास जाए और देखे कि इन जानकारियों से वे लोग लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं। यही सब बातें हैं जो मिलकर बनाती हैं एक सफल और आदर्श प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जहां पर चेतना है, आत्मविश्वास है, जागरूकता है, क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं और है मनोरंजन। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए।